बता दें कि हाई फाइव सैंडलवुड ड्रग केस में कई बड़े नामों का खुलासा हुआ है। इस मामले में एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी के अलावा ड्रग पेडलर रविशंकर, शिव प्रकाश, राहुल शेट्टी, वीरेन खन्ना की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से एक गिरफ्तार आरोपी ने आदित्य अलवा के शामिल होने की बात पुलिस के सामने रखी थी। उस वक्त हेबल के नजदीक स्थित आदित्य अलवा के घर हाउस ऑफ लाइफ की तलाशी ली गई थी। ये जानकारी बेंगलुरु के ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम संदीप पाटिल ने दी थी। विवेक के रिश्तेदार आदित्य अलवा पूर्व मंत्री युवराज अलवा के बेटे हैं। उनकी बहन प्रियंका अलवा की शादी विवेक ओबेरॉय से हुई थी। बेंगलुरु सिटी पुलिस के सेंट्रल क्राइम ब्यूरो के सैंडलवुड ड्रग मामले में एक माह पहले बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय के खाले अलवा की संपत्तियों पर छापामारी की थी। पुलिस ने आदित्य के पहले रिसोर्ट पर भी छापेमारी की थी। कथित तौर पर वह यहाँ पार्टी आयोजित करते थे जिनमें ट्रेंड फिल्म उद्योग के कई फिल्म सितारे हिस्से लेते हैं। सेंट्रल क्राइम ब्यूरो के मुताबिक आदित्य इस मामले में पांचवें आरोपी बने। वह एक प्रभावशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं जिनके विध्वंस पिता जीवनराज अलवा अपने समय के सबसे शक्तिशाली मंत्रियों और नेताओं में से एक थे। उन्हें विभिन्न मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े का दाहिना हाथ माना जाता था।